नमस्कार, मैं सदानंद पाल। विद्यालय जिनमें दो शब्द हैं, विद्या और आलय, उसी तरह जो पुस्तकालय है उनमें भी दो शब्द हैं, पुस्तक और आलय। आलय से तात्पर्य घर से होता है, विद्या का घर, पुस्तक का घर। मेरा अभी जो आशय है, पुस्तकालय को दिखाना नहीं है, विद्यालय को दिखाना नहीं है। मेरा यह तात्पर्य यह है कि विद्या और आलय मिलकर जो विद्यालय बना है, या पुस्तक और आलय मिलकर जो पुस्तकालय बना है, ये शब्द गहन रूप से, गहन बोध से सही प्रतीत नहीं है। इसलिए कि विद्या की जो विशालता है वह किसी आलय या गृह या घर में समाहित नहीं किया जा सकता है, उसी तरह पुस्तकों की जो विविधता है उसे भी किसी एक कक्ष में, किसी एक बड़े लाइब्रेरी में समाहित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा हमेशा ये बोध रहा है किसी से भी कि ज्ञान जो है, अगर हम इसे विद्या के पर्याय मानते हैं तो केवल एक जगह संग्रहित या संकलित करने योग्य नहीं है। उसी तरह पुस्तकें हैं, पुस्तकें जिनमें अगर ज्ञान समादृत है, जिनमें विद्या समादृत है, तो उसे किसी एक पुस्तक में, चाहे वह 100 पृष्ठ की पुस्तक हो या 100 से ऊपर पृष्ठों की पुस्तक हो, उनमें समादृत नहीं किया जा सकता है। इनकी विशालता, विद्या की विशालता, पुस्तकों की महत्ता, यह सिर्फ विद्यालय कहकर ही समाप्त नहीं हो सकती, यह सिर्फ पुस्तकालय कहकर ही समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हर छात्रों को सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पुस्तकालय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके जो अंतर्मन है, उनके अंदर में जो अन्वेषण प्रवृत्ति है, जो खोजी प्रवृत्ति है, कई सारे ऐसे महान तत्व अन्वेषी हुए हैं जो न कभी विद्यालय गए, न कभी पुस्तकालय में रमे। एक भारत के एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में संत कवि कबीर हैं, जो न कभी पुस्तकालय गए। हो सकता है उनके समय में पुस्तकालय न हो, लेकिन उन्होंने यह भी तो कहा है कि उनकी हाथों में कभी भी लेखनी नहीं गई। तो इनका मतलब है कि वे साक्षर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अनुभव जनित या अनुभव लोड़ित जो उपमाएं पाई, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे छात्रों, आपको स्वाध्याय जरूरी है। आप विद्यालय भी जाइए, यह बात सही है, आप पुस्तकालय भी जाइए, यह सही है, लेकिन विद्यालय जाकर ही आप पूर्णतः अध्ययनशील हो जाए ऐसा संभव नहीं है, या पुस्तकालय जाकर ही आप पूर्णतः अध्ययनशील हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप अपने बड़ों से, अनुभवों से, अनुभवी व्यक्तियों से कुछ अर्जित करें और अपने अंदर में स्वाध्याय करते हुए उसे परिमार्जित भी करें, तभी आपकी विद्या, तभी आपकी बुद्धि कौशल, तभी आपकी विद्या से बढ़कर साहित्य अन्वेषण या विज्ञान अन्वेषण आगे बढ़ सकती है, और आप पुस्तकों की कीड़ा से बाहर निकलकर सांसारिक रूप से अगर अब बड़े विस्तार से देखते हैं और देख पाने की क्षमता महसूस करते हैं, तो हम सिर्फ विद्यालय या पुस्तकालय केंद्रित अध्ययन से विलग होकर स्वाध्याय और अन्य लेखकों के भी पुस्तकों पर जाकर उन्हें कई सारे अपने अंदर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और यह ज्ञान जो होगा आपका, जो बाहरी से लेकर होगा, जो अंतरिक्ष से लेकर होगा, जो अन्य उपागम से
होते हुए जो अन्य आयाम और विविध कर्मों से लेकर होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होगा। और यह महत्वपूर्ण ज्ञान किसी पुस्तकालय में या किसी विद्यालय में अर्जित न होके स्वाध्याय आपको ईमानदारी पूर्वक सत्यान्वेषी होकर अर्जित करना होगा। जी धन्यवाद, शुक्रिया।